न्यूज सिर्फ सच। नगर के सिगरा इलाके में तीन अलग अलग जगहों पर लावारिस अटैची मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि बम स्क्वाड की जांच में ये अटैचियां खाली पाई गई। एसपी सिटी दिनेश सिंह के मुताबिक इसके पीछे की मंशा सोच का विषय है। त्योहार और भीड़ भाड़ के बीच ऐसी घटना से पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट पर है। एक बाग में उर्मिला देवी नाम की महिला का पैन कार्ड और आधार कार्ड भी मिला है। शारदीय नवरात्र की नवमी पर लोगों ने कन्या पूजन के साथ साथ भैरव पूजन किया। वहीं भगवती जगदम के निमित्त लोगों ने हवन पूजन का प्रसाद वितरण किया। से विद्यापीठ आने वाली 33,000 किलोवाट की लाइन में आए फॉल्ट से रात से ही शहर के कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति ठप रही। इससे सिगरा, सोनिया, लल्लापुरा जैसे कई इलाकों में बिजली न आने से लोग काफी परेशान रहे। मृत्यु मामले में क्राइम ब्रांच ने विवादित और भ्रमित सूचनाएं फैला रहे कई छात्रों और सुरक्षा अधिकारियों को नोटिस भेजा है। बीएचयू के छिट्टूपुर में दो बाइक सवार एक साइकिल से जा रहे युवक का मोबाइल छीनकर भाग निकले। स्थानीय लोगों के दौड़ाने के बाद भी वे भागने में सफल रहे। घाट पर साहिल नामक 12 वर्षीय बच्चे की गंगा में डूबने से मौत हो गई। कमलापति इंटर कॉलेज में कक्षा 6 में पढ़ने वाला साहिल मुंशी घाट पर नहाने गया था, जहाँ गहरे पानी में जाने से वो डूब गया। निजामुराद थाना क्षेत्र के राजपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर सतीश सिंह नामक एक युवक को उसके भाइयों ने ही मार मार कर घायल कर दिया। जमीन और मकान के बंटवारे को लेकर चल रहे चार भाइयों के विवाद में इस घटना और सतीश सिंह की शिकायत पर पुलिस ने भाइयों समेत 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। शिवाला घाट पर कई दिनों से चल रही एक तमिल फिल्म की शूटिंग के लिए शुक्रवार को शमशान घाट बनाया गया, जहां कुछ लोग इसे देखकर हैरान हुए, वहीं कुछ धार्मिक लोगों ने इसे होने वाली अनहोनी का सूचक बताया। सवेरे सवेरे जब मैं आके देखा तो मुझे देखते में एक नया शमशान जैसा दिखा। हमने शूटिंग ग्रुप के लोगों से पूछा तो उस समय का उन लोगों का जो जवाब था, उस जवाब को सुन के मुझे काफी परेशानी हुई। उसके बाद मैं लोगों से बात किया, उनके विशेष लोगों को जब मैं बुला के पूछा तो उन लोगों ने हमें अब आश्वस्त कर दिया कि शूटिंग के बाद यहाँ पर किसी तरह की कोई भी गंदगी नहीं छोड़ेगी। सामने देख सकते हैं एक तरफ लिखा हुआ है गंगा हमारी माँ गंदगी ना करे, और दूसरी तरफ आप नीचे देख सकते हैं कि पूरा का पूरा गंदा फैला हुआ है। तो ये किसी न किसी तरह से गलत चीज तो जरूर है, लेकिन गुरु जी ने आके हमें आश्वस्त किया कि किसी भी तरह की गंदगी को यहाँ छोड़ा नहीं जाएगा। अरे पर शनिवार को डीजल रेलवे कारखाने में रावण दहन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला अधिकारियों ने दौरा किया। बच्चों द्वारा ही किया, लगभग वो 3.5 घंटे का मंचन होगा। ये लगभग जो है 3:30 बजे से 7 बजे तक चलेगा। किसी वेबसाइट पर जाने की झंझट, न लिंक ओपन करने की जरूरत, सीधे अपने मोबाइल पर देखें अपने जिले का दिन भर का हाल। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः।